व्यर्थ है। अरे वो कब आएंगे कब जाएंगे कुछ पता नहीं, आएंगे भी या नहीं कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आप जाइए। अरे ये बालक कौन है? मैं बालक नहीं हूँ, बुलुत हूँ मैं, बुलुत। सूचना के अनुसार इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। कितनी तुंदल दंतिया है, अति तुंदल। अरे तुम्हें तो घंटियां अति प्रिय प्रतीत होती है, चाहिए ये घंटियां? अवश्य अवश्य। ये लो। उठा लो। अले उतने तो डालो। तुमसे नहीं इनसे कह रहे, आप ये घंटियां उठा लो और अपने पास ही रखो। बालकों को किसी अपरिचित व्यक्ति से कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पता नहीं मैं, बोलो तो बोलो। अम्मा ये तो गाने का नाम ही नहीं ले रही है, अब हम क्या करें? अम्मा कहीं रामा सही तो नहीं कह रहा था, कहीं ये ठग तो नहीं है, कहीं वो ठग सच में तो हमें ठगने नहीं आए थे, ये उन्हीं की साथी लगते हैं, हमें और ठगने आई है। इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये ठग है, किसी राजसी परिवार से आई है लगता है। अम्मा लोगों को ठग ठग कर राजा के जितना स्वर्ण इकट्ठा कर लिया होगा, राजसी परिवार की नहीं लगेगी तो और क्या लगेगी? अम्मा वो ठग भी तो कहां ठग जैसे लग रहे थे। जो भी नाम है तुम्हारा वो यहाँ नहीं है, अभी तुम जाओ बाद में आना। जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं, अब आए हैं तो काम तमाम करके ही जाएंगे। हमने कहा था ना? अब मेरा तात्पर्य ये है कि हम प्रतीक्षा करेंगे और उनसे भेंट करने का काम करके ही जाएंगे। पंडित रामकृष्ण, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आप करना क्या चाहते हैं, आप इस प्रकार से हमें नगर में भ्रमण क्यों करवा रहे हैं? आप जान जाएंगे मंत्रीवर। अरे क्या कारण है? वो शांति रखिए ना मंत्रीवर, क्या सदैव तनाव में रहते हैं, आराम से भ्रमण कीजिए, थोड़े पतले भी हो जाएंगे, वजन कम हो जाएगा। हाँ इधर इधर आइए, इधर देखते हैं। चलिए। तो धनी मनी ये है? हमारा नाम धनी मनी होने से पहले हम लोग तुए में नहीं कूदते। वो दोनों यहाँ नहीं है। तो पंडित तथाचार्य तो होंगे ना यहाँ पे? पंडित तथाचार्य यहाँ क्यों होंगे? वो अपने घर पर होंगे। अच्छा ये उनका आवास नहीं है? नहीं नहीं, ये पंडित तथाचार्य का घर नहीं, ये पंडित रामकृष्ण का घर है। त से तथाचार्य, र से रामकृष्ण। पंडित तथाचार्य का घर तो बहुत बड़ा है, विजयनगर के एक कोने में है, आपको दूर से दिखाई दे जाएगा। अभी आप जाइए। क्षमा कीजिए देवी, हमने आपका समय तो नष्ट किया और उसके ऊपर कष्ट भी दिया आपको। अब नहीं नहीं, आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं, हमें आज्ञा दीजिए। रुकिए। प्रणाम। अच्छा आपका झुमका यही रह गया था। कारीगर तुम्हें ठग कर तुम्हारे सारे आभूषण लेकर चला गया। जीवन, हमें उस स्त्री का पीछा करना चाहिए। पंडित रामकृष्ण, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या हम आपको ऐसे पुरुष प्रतीत होते हैं जो किसी पराई स्त्री का पीछा करें? क्या मंत्रीवर, आप भी शिव 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 कहां से कहां पहुंच जाते हैं? मुझे लगता है ये स्त्री उन ठगों की साथी है। क्या? ए रुको रुको, ए रुको ए रुको,
ए रुको, ए रुको, ए सबको पकड़ो, अरे सभी लोग इस सबको पकड़ लो, अरे हम लोग सबको पकड़ो, अरे उस सबको पकड़ो, अरे अरे भागते की पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। क्या कर रही हैं आप? ये क्यों कर रहे हैं आप? स्त्री माँ का रूप होती है। प्रथम बार जब आए तो उसकी आरती करना शुभ होता है। तुम तो हमारे आवास पर ही नहीं, अभी तो विजयनगर में भी पहली बार पधारी हो। सुंदर लग रही है, ये घर की है, सुलक्षणी है। मैं इसे तिलक करती हूँ। भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। देखिए आप लोग चलिए अपने अपने काम पर, चलिए 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 जाइए। हे रामकृष्ण, हम ठग उस स्त्री को कह रहे थे। एक तो आप संपूर्ण बात बताते नहीं है, ऊपर से हमें ही दोष दे रहे हैं। अच्छा क्षमा करें मंत्री भाई, मैं थोड़ा विचलित हो गया था। कोई बात नहीं, हम भी थोड़े व्याकुल हो गए थे। पंडित रामकृष्ण, लगता है उस ठग ने आपके कान का कुंडल चोरी कर दिया। आपने पहले तो ये कुंडल कभी पहने नहीं? जी मंत्री वैद्य, तनिक ध्यान से देखिए इसे। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई कोई पदार्थ है। अर्थात दरबार में उन ठाकुर को चुनौती देना आपकी योजना थी। जी मंत्री वैद्य। तो हमें क्यों नहीं बताया? वो आप शांति रखिए, बाद में क्रोधित हो लीजिएगा मुझ पर। सर्वप्रथम उन ठगों को पकड़ना आवश्यक है। और सैनिकों को बुलाइए, भागा थोड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। आप चाहे तो थोड़ा विश्राम कर लीजिए। क्या तात्पर्य है आपका? विश्राम कर लीजिए, क्यों हम भाग दौड़ नहीं कर सकते? मेरा बहुत आपको हम बता दें कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ और सक्रिय है। हम में 10 बैलों की शक्ति। अच्छा बढ़िया है, ठगों को पकड़ने में काम आएगी। अब हमें सबसे पहले ऐसे घर को ढूंढना है जहाँ से रंगीन धुआं निकल रहा हो। चलिए। गुरुदेव, गुरुदेव जी। प्रणाम गुरु माता जी। क्या गुरुदेव आवास पर उपलब्ध हैं? जी वे कुछ ही समय बाद पधारने वाले हैं। आपका परिचय आप कौन है देवी? जी हमारा नाम चंद्रिका है, हम कलिंग राज्य से आए हैं और पंडित तथाचार्य से मिलने की इच्छुक हैं। आप इस बार सही द्वार पर उपस्थित हुई हैं। ये हमारे प्रभु पंडित तथाचार्य जी का ही निवास है। इसे कैसे पता चला कि पहले हम गलत घर पे पहुंच गए थे? इसे सतर्क रहना पड़ेगा, और कुछ हुआ तो विष ही शस्त्र है। जो भी मनोकामना लेकर हमारे प्रभु से भेंट करना चाहती है वो अवश्य ही पूर्ण होगी। जी हमें भी कुछ ऐसा ही आभास हो रहा है। जी क्या आप संतान प्राप्ति की अभिलाषा लेकर उपस्थित हुई हैं? या आपके स्वामी अर्थात आपके पति आपसे विमुख हो गए हैं, प्रेम नहीं करते? जी हमारा भी विवाह नहीं हुआ है। अच्छा, तो आप विवाह की कामना लेकर यहाँ उपस्थित हुई हैं? जी नहीं, हम देखिए आप स्पष्टता से कहिए, आप जिस भी प्रयोजन से यहाँ आई हैं, कुछ तो होगा ही। ये कितने सवाल पूछती हैं। क्या हमें थोड़ा जल मिल सकता है? हम अभी आपके लिए लेकर आते हैं।
प्रभु, इस औरत की प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण कीजिएगा। ये ले, शुक्रिया जी, शुक्रिया। स्वास्थ्य तो ठीक है? ये क्या था? हमने तो मात्र तुलसी के पत्ते ही डाले थे। तुलसी? जी। हे ईश्वर, ये हमसे क्या हो गया? आप हमारे साथ चलिए, विश्राम कर लीजिए तले। दही, दही ले लिया मैंने। हम लाते हैं। ग्रहण करें। आप विश्राम करिए, हम अभी आते हैं। सुनिए, आपने किसी औरत को भागते हुए देखा है यहाँ पे? सिपाहियों, हमारे साथ चलो। रुके, मंत्री वर, रंगीन धुआं ढूंढना है, रंगीन धुआं। क्षमा महोदय, क्षमा। हाँ ठीक है पंडित रामकृष्ण, चलिए चलिए। अब हमारे पास इतना धन हो गया है जिसकी हमने अपेक्षा नहीं की थी। हाँ, वो पंडित रामकृष्ण अपने आप को बहुत होशियार समझता था। हाँ, उसकी चुनौती हमने स्वीकार भी की और उसे पूरा भी किया। अब तो हमें किसी और नगर की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। तुम यहाँ से प्रस्थान करने की सारी व्यवस्था कर लो। अब उस रामकृष्ण को भी ज्ञात हो गया होगा कि हम कोई साधारण ठग नहीं है, और हमें चुनौती देकर उसने कितनी बड़ी भूल की है। अरे तुम्हें पता नहीं है, वो अपने आप को ना बहुत बुद्धिमान समझ रहा था। आज का दिन ना वो सदैव याद रखेगा। दासु, देवर, हम अपना मुख ढक लीजिए। सनी को ज्यादा दूर तक नहीं गए होंगे, जाकर ढूंढो उन्हें, जाओ। ये देखिए मंत्रीवर, आभूषणों से भरी पोटली। लगता है उन ठगों ने यहाँ से भागने की समस्त तैयारी कर ली थी, किंतु हमारी कुंडल वाली योजना सफल रही। बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण, अब लगता है विजयनगर की जनता को इन ठगों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। नहीं मंत्रीवर, दरबार में मेरे द्वारा दी गई चुनौती को इन ठगों ने इतनी गंभीरता से लिया है कि वे इतनी सहजता से अपनी पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। हमें सतर्क रहकर उनकी अगली चाल की प्रतीक्षा करनी होगी। सत्य वचन। पंडित रामकृष्ण, क्या बात है, आप इतना ध्यानपूर्वक इन आभूषणों को देख रहे हैं, कोई विशेष प्रयोजन? मंत्रीवर, ये सामान्य आभूषण नहीं है, ये मेरे अपने ही घर में प्रवेश करने का एकमात्र माध्यम है। अर्थात उन ठगों ने आप जैसे महान बुद्धिमान श्री पंडित रामकृष्ण को, अर्थात आपके परिवार को भी? जी मंत्रीवर। यदि आप पूर्व में ही हमें ज्ञात करा देते तो अति उत्तम होता ना। अब बता रहा हूँ ना,
तो क्या अब मैं ये आभूषण ले सकता हूँ? अवश्य। हमें शीघ्र ही गुरुवर को भी सूचित कर देना चाहिए मंत्रीवर, क्या पता उनका भी अपने ही घर में प्रवेश निषेध कर दिया गया हो। सत्य वचन। रामा कृष्ण और महामंत्री पता नहीं कहाँ हैं। महाराज ने आदेश दिया था कि ठगों की खोज में हमारा सहयोग भी लिया जाए, परंतु नहीं, हमें छोड़ दिए और हमारे बगैर ठगों की खोज में निकल पड़े। अनर्थ किया, हम पंडित रामा कृष्ण और महामंत्री के संदर्भ में महाराज से अवश्य विरोध प्रकट करेंगे। आचार्य, प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। अभी अभी कुछ समय पूर्व एक अत्यंत ही सुंदर कन्या को आपके आवास पर जाते देखा। सोचा अतिथि होगी, आपको सूचित कर दूं। यदि आपने हमें कल तक स्वर्ण का हार उपलब्ध नहीं कराया तो हम सीधे आपके घर पे आके बैठ जाएंगे, और अगर पूछा तो गुरु माता को समस्त सत्य से भी अवगत करा देंगे कि आप हमें प्रेम करते हैं, उन्हें नहीं। अच्छा कोतवाल, एक बात बताइए, वो जो सुंदर स्त्री हमारे निवास के अंदर गई, वो अत्यंत क्रोधित थी? आचार्य, मैंने उसके मुख को तो नहीं देखा, लेकिन जिस तीव्र गति से आपके आवास के अंदर गई है, हो सकता है क्रोधित हो। प्रणाम आचार्य। तीव्र गति से गई, हे भगवान, मत गए, अनर्थ हो गया। ये हम सौदामिनी को स्वर्ण हार नहीं दे पाए, कहीं क्रोधित होकर वो वरुण माला के समक्ष तो नहीं पहुंच गई? प्रतीत होता है गुरु जी, आप तो गए, हो गए, आपके दिन पूर्ण। किसी ने सत्य ही कहा है, दो नाव में पैर रखने वाला हमेशा डूबता है, और आप तो पूरे डूब गए। तू घर में आ गई और आते ही हमारी शैया पर आधिपत्य जमा लिया, ये क्या किया सौदामिनी? वरुणमाला ने देख लिया तो स्वामी, आपका आगमन कब हुआ? देखो वरुणमाला, हमारी बात सुनिए। सर्वप्रथम तुम हमारी बात सुनो जी। ये जो स्त्री है अत्यंत लोभी है, इसने हमें बहला फुसला लिया। आपको तो ज्ञात है ना, हमें सांसारिक बातों का इतना ज्ञान है नहीं, इसकी भ्रमित करने वाली चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गए। क्या करें, हम है ही इतने भोले, हमें कोई भी सरलता से मूर्ख बना लेता है। नहीं मूर्ख नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य है हमें भ्रमित कर देता है। हम भ्रमित हो गए, वैसे हम हैं अंतर्यामी, परंतु हम स्त्रियों के अंतर्मन में नहीं जागते। इस स्त्री ने तुम्हें जो भी कहा है उस पर विश्वास मत करना जी। हाँ, असत्य है, एकदम असत्य। अब देखो वरुणमाला, आपको तो ज्ञात है कि हम विजयनगर साम्राज्य के प्रतिष्ठित राजगुरु हैं। हम किसी नर्तकी के प्रपंच, हमारा कहने का तात्पर्य है नर्तकी के मुंह में फंस सकते हैं ना, करा भी नहीं, आप तो बुद्धिमान हैं, है ना? प्रणाम गुरुवार। देखिए, इस समय हम किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, आपसे तत्पश्चात वार्ता करेंगे। बुड्ढा तो गया काम से, इस सुंदरी का सौंदर्य देखकर अपना ये बुड्ढा अब तक तो इसके साथ स्वप्न लोक में नृत्य भी कर रहा होगा। प्रतीत होता है हमारे स्वामी समाधि में चले गए हैं। हमारे स्वामी है ही इतने महान, खड़े खड़े ही समाधि में प्रवेश कर जाते हैं, उन्हें समाधि से बाहर निकालना होगा। क्या कहा? कौन है सुंदरी? जी, हमारा नाम चंद्रिका है, हम कलिंग राज्य से आए हैं, हम आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक हैं। अति सुंदर, अति उत्तम। आप महाराज कृष्णदेवराय के अत्यंत निकट हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है गुरुवर,
महाराज से निवेदन कर अगर आप हमें महारानी की सेविका के पद में नियुक्त करवा दे तो अवश्य हमारी महाराज से अत्यंत निकटता है। कुछ और कहा होता तो हम वो भी अवश्य करवा देते। बस आपकी इतनी सी सहायता से होगा कृष्णदेवराय का अनुग्रह।